यार टप्पू, मुझे खुशबू यहीं से आ रही है यार। बोले किस चीज की खुशबू आ रही है तुझे? सुखड़ी की। ये देख। है? अरे बच्चों तुम लोग देखा टप्पू, मैंने बोला था ना सुखड़ी की खुशबू यहीं से आ रही है। ओ कमाल है गोली, तुझे सुखड़ी की खुशबू कंपाउंड तक आ गई। फिर आई लव सुखड़ी। गोली, खाने की ऐसी कोई चीज है दैट यू डोंट लव? हाँ जी। अरे अरे गोली, तू दादाजी के हाथ से थाली तो क्या सुखड़ी का एक पीस भी नहीं ले पाएगा भाई। अच्छा हाँ, गोली को चैलेंज। अगर मैंने दादाजी के हाथ से सुखड़ी का पीस ले लिया तो दादाजी तुझे 2 सुखड़ी देंगे, और अगर सुखड़ी छू भी नहीं पाया तो तुझे 1 भी सुखड़ी नहीं मिलेगी। हाँ। Yes, that's the deal. Done. अरे अरे बच्चों, दादाजी गोली की दिवाली के दिन सुरसुरी करनी है। आप प्लीज चैलेंज एक्सेप्ट करिए ना। ठीक है चलो। अरे आजा गोली, आजा आजा आजा। Come on दादाजी, come on. Ready दादाजी? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हारने ही वाला है। दादाजी जीतेंगे। तो दिवाली के इस सुनहरे दिन पर गोली और दादाजी के बीच में चैलेंज लग गया है, और वो चैलेंज है सुखड़ी। सुखड़ी एक चैलेंज है, और सुखड़ी को कौन जीतेगा वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। गोली सुखड़ी को बड़े गौर से देख रहा है, और चैलेंज शुरू होता है। 3, 2, 1। गोली मिस करता हुआ है, गोली कोशिश में लगे हुआ है, लेकिन दादाजी उनको एक मौका नहीं दे रहे हैं। गोली अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं सुखड़ी लेने का, लेकिन दादाजी एज ऑलवेज जीतते जा रहे हैं। और गोली धीरे से धीरे थक रहे हैं। गोली थक रहा है, दिख रहा है, उनके चेहरे पर दिख रहा है। गोली नहीं, फिर भी हार मान नहीं रहे, और गोली नाकामी को गले मिलाते हुए। ठीक है दादाजी, मैं चैलेंज हार गया। So as per the deal, गोली अभी आपको कोई सुखड़ी नहीं मिलेगी। वैसे दादाजी, आपने आज सुखड़ी बनाई क्यों? हाँ। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है टपुड़ा। अरे आज तेरी मम्मी जो आ रही है, इस घर की लक्ष्मी दया बहू जो आ रही है, बहू के लिए बनाई है मैंने ये सुखड़ी। अरे गोलीला, मायूस मत हो, ये सुखड़ी बहू के साथ साथ तुम सब लोगों के लिए भी है। ले लो सोनू बेटा। थैंक यू दादाजी। दादाजी आपके हाथ की बनी सुखड़ी तो बहुत टेस्टी है। और गोलीला, तू हार गया था ना, इसलिए तेरे लिए एक और पीस। आज दिवाली की रात को दया आंटी अपना शानदार वेलकम देखकर, रंगोली देखकर और 10,000 की लड़ी फूटते हुए देखकर खुश हो जाएगी। हाँ, दया आंटी का ऐसा शानदार वेलकम होगा कि ऐसा वेलकम किसी का नहीं हुआ होगा। अरे एक मिनट रुको बेटा। देखो बावरी, एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, यहाँ ये मत बोलना कि मेरी बाईं आंख फड़क रही है, और यहाँ ये भी मत पूछना कि सेठानी जी आ रही है कि नहीं आ रही है, वरना सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। नट्टू काका, इतनी तो मैं समझदार हूँ। हाँ हाँ बेटा, तू बहुत समझदार है, लेकिन मुझे तुझे बार बार समझाना पड़ता है क्योंकि तू बोलने में गड़बड़ कर देती है। बागेश्वर जी, गौरी जी देखिए, आज दिवाली है, सेठ जी का मूड भी एकदम अच्छा है, सेठानी जी भी आने वाली हैं, तो आप खाली कुछ ऐसा मत बोल देना जिससे सेठ जी का मूड ऑफ हो जाए। ठीक है, आइए आइए ना, सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। शुभ दीपावली गोकुलधाम वालों। बोलो, अब तक ये सिर्फ इंसानों के नाम गलत बोलती थी, अब सोसाइटी का नाम भी गलत बोल रही है। अरे जी, गोकुलधाम नहीं गोकुलधाम। हाँ वही, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। हैप्पी दिवाली गोकुलधाम वालों। ओ हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। ओ बल्ला 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 बल्ला। चाहिए था जब हैप्पी और दिवाली। ओए तुसी सारियां नू दिवाली दिया लख लख बधाइयां। थैंक यू। ते कोटी कोटी बधाइयां आज के लकी मैन को। लकी मैन और नहीं तेगी वही दया भाभी जो आ रही है। अच्छा 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 ओ साक्षात दूल्हे राजा लग रहे हो जेठालाल। दया भाभी से मिलने बेकरार। अरे बेकरार तो होगा ही ना भाई, कितने टाइम के बाद मैं दया से रूबरू मिलूंगा। करे जेठा भाई, लेकिन सिर्फ आप बेकरार नहीं है, हम सब दया भाभी को मिलने के लिए बहुत बेकरार है। सही बात है ना तो बच्चे बहुत। क्या भिड़े अंकल आज आपने बताया नहीं आपको डेकोरेशन कैसा लगा? अरे नहीं मैं बोलने वाला था, एक्चुअली रह गया। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस अप्रतिम सजावट के लिए, इस अप्रतिम रंगोली के लिए, इस अप्रतिम डेकोरेशन के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से अब्दुल और टपू सेना का आभार व्यक्त करता हूं। भिड़े भाई ये तो दिवाली की सजावट है, दया भाभी की स्वागत की तैयारी तो इससे भी ज्यादा शानदार है। भाई संतोष का है जबरदस्त। एक मिनट जेठा भाई चाचा जी कहाँ है? हाँ? हाँ? पापू जी घर पे। क्यों? उन्होंने बोला कि जब दया आएगी तो क्या उसका स्वागत करने के लिए घर में को होना चाहिए ना। हाँ, बराबर ये बात है। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं घर में रहता हूँ तो नीचे जाके दया का स्वागत कर। ऐसा हाँ गुड। वैसे जेठा भाई दया भाभी कब आ रही है? कुछ बात हुई सुंदर भाई से? हाँ मामा का फोन आया था, वो बस पहुंचते ही होंगे। हाँ। लेकिन बेटा उसको काफी टाइम हो गया, एक बार फिर से फोन लगा के पूछता सही अभी कहाँ तक पहुंचे। हाँ हाँ माधवी मेरे सवाल याद है? कौन से? आज सुंदरलाल आएगा कि नहीं, आएगा तो दया भाभी को लाएगा कि नहीं। शांत शांत सकारात्मक सोचना है आपको, दया भाभी आने वाली है। अरे वापस नहीं मतलब आने वाली है। हाँ, आने वाली है। पापा मामा फोन नहीं उठा रहे हैं। गाना गाते मी पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा ही होगा, अब शांत रहिए मुस्कुराइए। दिवाली के दिन कोई हंगामा ना हो, खुशियों के पटाखे फूटेंगे देख लेना। हाँ उठाया उठाया। हाँ बता। हेलो मामा कब पहुंचे? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ पहुंचे कहाँ पहुंचे? कार पाउडर गली में आ गई है। बापू जी! बापू जी! अरे बापू जी! बापू जी! बापू जी! बापू जी! हाँ बोल 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 जलिया। बापू जी दया सुंदर 2 मिनट के दूरी पर है, किसी भी वक्त कंपाउंड में आ जाएंगे। अरे वाह आखिरकार सुंदर ने जो वचन दिया था उसे पूरा किया, उसे निभाया। हाँ बाबूजी बोलो। बहू को अहमदाबाद से मुंबई लेकर आया। एकदम एकदम। अरे तो यहाँ क्या खड़ा है, जा जाके बहू के स्वागत की तैयारी कर। जी जी बापू जी 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 चल टप्पू, हम भी 10,000 पटाखों की लड़ी फोड़ने की तैयारी करते हैं। आंटी का स्वागत एकदम शानदार होना चाहिए, एकदम धूमधाम से स्वागत करेंगे। चट्टी चट्टी, मैं खुद मदद करूं? नहीं नहीं पापा, वो सब हम कर लेंगे। जब मम्मी आए ना तब आप उनका स्वागत करना। ओके 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 बेटा, ओके ओके। सही बात है, पर बच्चों और अब्दुल, पटाखों से अपने आप को सुरक्षित रखना। अरे हाँ आती अंकल, डोंट वरी। मैंने भी दया भाभी के स्वागत के लिए फूलों का थाल तैयार किया है। वाह, मैं अभी लेकर आई। लेके लेके आइए। अरे चलो जल्दी जल्दी, टप्पू सेना जल्दी जल्दी करो। जबरदस्त खुश हो जाएंगे, आने वाले होंगे। बस आ जाए जल्दी। भगवान करे आज सच में सुंदर दया भाभी को लेकर आया हो, वरना जेठालाल के सारे उत्साह पर पानी फिर जाएगा। फिर से कुछ उल्टा सोच रहे हो? नहीं नहीं, जेठा भाई दया भाभी को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं। दया भाभी आएंगी तो जेठा भाई की खुशी और हाल देखने जैसा होगा। सही बात है कोमल। सच, वो एक दूसरे को इतने समय बाद मिल रहे हैं, वो एक दूसरे को कैसे देखेंगे, एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, ये तो गोल्डन मोमेंट होगा। और ये गोल्डन मोमेंट हम सब के लिए ही यादगार होने वाला है। हाँ, आज का दिन जेठा भाई और दया भाभी हमेशा याद रखेंगे। नहीं, आज दिवाली की रात एक और प्यारी सी मीठी सी यादगार याद जुड़ेगी। क्या? आज दया भाभी अपने हाथों अपने घर पे दिया प्रज्वलित करने वाली है। और सुंदर भाई का वादा भी पूरा होगा। हाँ। गड़ा परिवार की लक्ष्मी दया भाभी गड़ा हाउस में आएंगी। हाँ, आज गड़ा परिवार में खुशियाँ छलकेगी। बिल्कुल, आज की दिवाली गड़ा परिवार के लिए और हमारे गोकुलधाम के लिए यादगार होने वाली है। बस अब दया भाभी जल्दी से आ जाए। देख 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 छोड़ी, जेठालाल कितना बेचैन हो रहा है। दया भाभी बस आने ही वाली है, लेकिन अब उसे दया भाभी का थोड़ा इंतजार भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बराबर है पोपट भाई। ओए पप्पू, ओए चल यार, जब तेरी वाइफ लंबे समय के लिए मैके जाएगी ना तब तेरे पता चलेगा। सॉरी पप्पू, सॉरी। वाइफ का पता नहीं मैके भेज दिया। देखना, अरे भाई एक बार मेरी शादी होने दे, वाइफ को मैके ही नहीं भेजूंगा। मुझे ये दिया हुआ नहीं। अच्छा घुमा के लगा रहेगा। अच्छा अच्छा आ जाओ जी आ जाओ। गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहा है? कहीं दया भाभी गरबा खेलने का संकेत तो नहीं दे रही है? अरे हाँ, मम्मी का स्वागत तो गरबा से ही होना चाहिए ना। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? गरबा खेलना? मुझे ऐसा लग रहा है कि दया भाभी गाड़ी में नहीं है। क्या बोल रहे तारक आप? फिर से शुरू हो गए। अंजलि, हम गरबा खेलते हैं। अगर दया भाभी गाड़ी में होती ना तो गरबा का म्यूजिक सुन के खुद को रोक नहीं पाती और हमारे साथ आके गरबा खेलती। ताला आप वो सब छोड़िए और गरबा खेलिए। अरे चल दया उतारा भी। हाँ। तेरे लिए हमने गरबा की है, 10,000 की लूम फोड़ी और क्या करे भाई, चल उतर जल्दी अभी। हाँ। जीजा जी, शायद दया भाभी ये चाहती कि आप जाके कार का दरवाजा खोले। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, उसमें क्या। रुकिए बाबा मैं खोलता हूँ। अरे बेटा सुना सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा, बबीता आंटी ने क्या कहा। मम्मी चाहती है कि मैं उनके लिए दरवाजा खोलूं, है ना, बराबर ना। तो ठीक है दोनों साथ में दरवाजा खोलते हैं। आजा 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 रेडी 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 1 2 3। अरे दरवाजा लॉक है, लॉक तो खोल दया। तो भाई आज तो दिवाली पर गोकुल धाम में 4 चांद लग गए। जी हाँ, सुंदर ने अपना वादा निभाया, आज दिवाली के दिन गोकुल धाम में सुंदर दया भाभी को लेकर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जितने भी ऊटपटांग ख्याल आए ना मैंने आपके साथ शेयर किए। अब क्या करूं, सुंदर का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है, मुझे ऐसा सोचने पे मजबूर कर दिया। तो दया भाभी आएगी कि दया भाभी नहीं आएगी, आज तो कमाल हो गया। हमने दया भाभी के आने की खुशी में गरबा भी खेल लिया, अब गरबा क्वीन का गाड़ी से उतरने का इंतजार है। जी हाँ, जब भी कोई नया मेहमान गोकुल धाम में आता तो दया भाभी उनसे कहती आइए पधारिए स्वागत है आपका। तो आज हम दया भाभी से कहेंगे आइए पधारिए स्वागत है आपका। जी हाँ, देर किस बात की, आप भी पधारिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.